अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हैं जनाब। हमारे साथ हैं शेफ मुजफ्फर, ढाका फिश बना रहे हैं जनाब हम। और इस वक्त हमने नमक और नमक और चाइना सॉल्ट, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, धनिया और जीरा, ठीक है, कुछ धनिया पाउडर की सूरत में है, और ये लहसुन डाला है, थोड़ा सा अदरक डाल दिया जनाब, ये भी चॉप है दोनों, लहसुन और अदरक, और ये हरी मिर्च भी चॉप है, लेमन, ये बड़ा स्पाइसी सा, बड़ा मज़ेदार टेस्ट आता है इससे। ढाका चिकन बहुत मशहूर चिकन है ढाका की, और अब ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है। ये देखिएगा ये किस तरह के स्लाइसेस कटे हुए हैं, ये बोनलेस फिश होती है, और ये उसको मैरिनेट कर रहे हैं। ये एग हमने डाला है, एग को अच्छे तरीके से बीट किया हुआ है। अच्छा, इसके अंदर भी फूड कलर मिक्स किया हुआ है एग में, है ना? बिल्कुल, ये देखिएगा ये मैरिनेट कर रहे हैं, अच्छे से मैरिनेट करें इसको, जितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेट करेंगे उतना ज़्यादा इसके अंदर से टेस्ट आएगा। वैसे तो कहते हैं कि शेफ साहब मैरिनेट करके थोड़ी देर रख लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि रनिंग ऑर्डर है, ये क्या बनाया हुआ आपने? स्पेशल ग्रेवी, और ये भी फिश के साथ है, स्पेशल ग्रेवी फिश फूड, सही। अच्छा, ये हम किसी दिन और आपको बताएंगे, इस वक्त हम ढाका चिकन को, ढाका फिश को ये देखिएगा, ये स्पेशल ग्रेवी फिश फूड है, ये मैरिनेट तकरीबन हो रहा है, और अभी इसके ऊपर मज़ीद क्या लगाएंगे शेफ? कॉर्नफ्लोर, मैदा, तिल, फूड कलर, सही, कॉर्नफ्लोर, मैदा, फिश, फूड कलर, ये मैदा आया, मैदा ज़्यादा होगा और कॉर्नफ्लोर कम होगा, अच्छा बराबर डालेंगे आप, ठीक है। ये एक मुट्ठी तकरीबन चार चम्मच के बराबर होती है, तो ये फूड कलर डाला, क्या डाला? अब इसके ऊपर हम तिल डालेंगे, ये देखिए तिल की अच्छी मिकदार जो है वो इसके ऊपर लगाई है, डाली है, और इसी तरह से जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये देखिएगा, खवातीनों हजरात, खास तौर पर खवातीन जो हैं वो ढाका फिश को ज़रूर ट्राई करेंगी। ये सारे पीसेस डाल दिए हैं इसके अंदर, ये कितनी देर फ्राई होगा अंदाजा? अच्छा, 5 मिनट ये फ्राई करेंगे, और 5 मिनट के बाद ये खूबसूरत ढाका फिश जो है वो तैयार होगी। चिप्स निकाला बेटा, चिप्स निकाला, चिप्स निकाला, साथ इसके चिप्स की प्रेजेंटेशन होती है, ये जनाब ढाका फिश तैयार हो चुकी है। अच्छा,
ताकि इसके अंदर तक जो है वो अंदर का जो पानी शामिल है वो निकल जाए। अच्छा ये देखिएगा, ये स्पेशल टोटका आप लोगों के लिए, क्योंकि अमूमन घरों में ऐसा नहीं किया जाता, वो एक दफ़ा फ्राई पैन में डालते हैं तो बस फ्राई करके ही निकाला जाता है। हाँ कच्चा भी रह जाता है, उसके अंदर पानी रह जाता है, इसकी वजह से वो खाने में टेस्टलेस रहता है। ये हम इसको प्रेस करके एक बार फिर फ्राई पैन में डालेंगे। ये एक बार फिर फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डाल दिया। ये जनाब इसके अंदर चिप्स भी डाल दिया। अभी भी इसको 5 मिनट लगेंगे या अब तो कम टाइम लगेगा? हो गया, ये फाइनल इसकी प्रेजेंटेशन बस इसी में होगी। साजिद का चिप्स और ये ग्रेवी इसके साथ ही होगी, ढाका चिप्स के साथ, ढाका फिश के साथ। पहले ढाका फिश जाएगी, बाद में चिप्स। सही, उसके साथ स्पेशल ग्रेवी फिश फूड जो है। होटल में इस वक्त रात का 1 बज रहा है और क्लोजिंग की तरफ है, काम कम हो चुका है, कस्टमर आने कम हो गए हैं इस वक्त, उसी हिसाब से फिर क्लोजिंग स्टार्ट हो गई है। ये देखिएगा, ये रात के वक्त ये लोग इसको फ्रेश करते हैं। ये देखिए, ये हमारी फाइनल, ये जो ढाका फिश हमने तैयार किया। बाय 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 बाय, अड्डा दोना सीख ले भाई से।